और यहाँ से शुरुआत होती है हमारे सेकेंड व्लॉग की। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अब हम लोग कैनकून के लिए यानी कि मैक्सिको की फ़्लाइट पर बैठ चुके हैं और अब हम मैक्सिको जा रहे हैं इंशाल्लाह वेरी सून। ये हमारी 3 घंटे की फ़्लाइट है और इस टाइम सुबह के हो चुके हैं, कोई मेरे हालात 7 बज गए हैं और बाहर देखें मौसम भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि सुबह का टाइम है ना। और जहाज़ हमारा चलना शुरू हो गया है एज़ यू कैन सी। ज़ोया सारी रात नहीं सोई और अब फाइनली सो गई है, बहुत ज़्यादा थक गई हुई थी और रात को इतना इसको कहा सो जाओ तो नहीं सोई। पता चल गया कि हम अमेरिका से बाहर आ गए हैं। ये देखिए ज़रा फ्लोरिंग चेक करें, मतलब कि हर चीज़ पता। तो ये देखिए, ये देखिए क्लीननेस देखिए। यूएसए का एयरपोर्ट नेवर नेवर, इस तरह से गंदगी कभी भी नहीं होती। ये है मेक्सिको, मेक्सिको एयरपोर्ट कैनकून का। सामान का वेट कर रहे हैं, सामान आने लगा है यहाँ पे। और यहाँ पे आके ना तो पाकिस्तान की बड़ी याद आई है क्योंकि यहाँ पे ना बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं है। अमेरिका में लोग बहुत अपने काम से काम रखते हैं, यहाँ पे ना लोग बातें कर रहे हैं आपस में, काम में सब कुछ हो रहा है जैसे पाकिस्तान में होता है। तो बड़ी पाकिस्तान की याद आई है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करें, हमारे मुल्क के इतने बुरे हालात हो चुके हैं, अल्लाह ताला हमारी कंट्री पर रहम करें, कोई अच्छा हुक्मरान दे दें, कोई बेहतर हुक्मरान दे दें ताकि हमारे हमारा कंट्री भी दोबारा से स्टेबल हो जाए। तो बस बड़ा दुख होता है पाकिस्तान के बारे में सोच के, क्या वहाँ पर जाते हुए भी डर लगता है कि पता नहीं क्या हालात हैं, क्या सिस्टम है। तो इस टाइम हुए सुबह के 10:45, तो हम लोग पहुँच गए हैं मैक्सिको। एज यू कैन सी कि ना हम मैक्सिको एयरपोर्ट पे हैं अभी और अब हम अपने सामान का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके अपना मुल्क बहुत पाकिस्तान बहुत याद आया कि यहाँ पे पाकिस्तान टाइप का थोड़ा थोड़ा माहौल है, फ्रेंडली लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात देख के ना दुख भी बहुत होता है। अलग अलग हमारे कंट्री के लिए बहुत आसानियाँ करें। बहुत रोया ना उन लड़कियों के साथ, दोस्ती करना चाह रही थी उनके पास गई खेलने के लिए। सामान हम अपना ले आए हैं और अब हम जाने लगे हैं बाहर। ये देखें यहाँ पे ना ये सारे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन और जितने भी लोग खड़े हैं ना सब यहाँ पे ना सर्विसेज सेल कर रहे हैं, लाइक टूरिस्ट को यहाँ पे रोक रहे हैं और उनको उनकी बुकिंग वगैरह कर रहे हैं और सब कुछ जो भी मतलब रेंट अ कार और जो कुछ भी होता है ना, होटल रेस्टोरेंट टूर रिजर्वेशन। हम तो खैर होटल वहीं से बुक करवा के आए हुए हैं, लेकिन ये सारा ही है। तो बड़ा डिफरेंट सा लगा है मुझे क्योंकि इस तरह से कम ही देखने को मिलता है। एयरपोर्ट से भी बाहर भी नहीं निकले, लोग आगे आ रहे हैं, ये आप ये ले लें वो ले लें। और ये देखेंगे हम बाहर आए हैं, एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा बना हुआ है ये कैनकून का, सिवाय और इतनी गर्मी बाहर आते ही लग पता गया है कि आप वाकई किसी गर्म मुल्क में आए हैं। ये ना बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से सिमिलर है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि यहाँ के लोगों की ड्रेसिंग फ़र्क है पाकिस्तान से। और ये देखें ये बसेज़ हैं जो कि यहाँ से कैनकून सिटी डाउनटाउन में जाएंगे और हम इन्हीं में से एक बस पे बैठ के ना जाएंगे डाउनटाउन, क्योंकि हम लोग ना जब कभी कहीं जाते हैं ना तो हमारा होता है कि हम ना लोकल ट्रैवल करें ताकि हमें ज़्यादा पता चले लोकल जगहों का। और ये ज़यान इस टाइम रो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको गर्मी लग रही है, हमारे बच्चों को तो गर्मी की बिल्कुल आदत नहीं है। तो हम जब बाहर निकले तो इन्होंने जैकेट्स पहनी हुई थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी इन दोनों की जैकेट्स उतारी, अपनी भी जैकेट उतार के बैग में रखी। उफ़ तौबा बहुत गर्मी, लेकिन वी आर हैप्पी क्योंकि हमने इस गर्मी के लिए बहुत अमेरिका में वेट किया है और फिर हमने ये कंट्री सेलेक्ट किया था स्पेशली क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पर बहुत गर्मी होगी और हम सिर्फ इस कंट्री को ना गर्मी की वजह से इंजॉय करने आए हैं। क्योंकि हमने कहा कि पाकिस्तान तो बहुत दूर है और पाकिस्तान का भी हमारा प्लान भी नहीं है, तो हम उसकी जगह पर मैक्सिको चले जाते हैं क्योंकि एक तो मैक्सिको की फील पाकिस्तान वाली है, दूसरा यहाँ पे गर्मी भी सेम पाकिस्तान वाली है, तो इसलिए हम लोग पाकिस्तान की फील लेने के लिए मैक्सिको आए हैं। और ये देखें यहाँ पे दरख्त बिल्कुल पाकिस्तान की तरह के हैं, यहाँ की लैंडस्केप, यहाँ का स्ट्रक्चर, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ का सब कुछ पाकिस्तान की तरह का लग रहा था और मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। देखिए फील ही नहीं हो
वैंस पाकिस्तान में चलती हैं वैसी वैंस है ना सारी सी। और यहाँ की ना लैंग्वेज स्पेनिश है, स्पेनिश। मेरा दिल कर रहा है सब कुछ रिकॉर्ड करती जाऊँ, सब कुछ, एवरीथिंग। ये लोग बस का वेट कर रहे हैं, बसेस यहाँ पे चलती हैं, देखें बसेस बहुत ज़्यादा चलती हैं, बस का वेट कर रहे हैं लोग। यार जयान वो देखें सामने रेहड़ियाँ लगी हुई पाकिस्तान की तरह। ये अब हम ना कैनकोन स्टेशन पे उतरे हैं, बस स्टेशन पे, और मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ पे इस कदर गर्मी है, इस कदर के बुरा हाल हो गया मेरे बच्चों का। एयरपोर्ट पे कह रही हूँ होटल, और गर्मी बेइंतहा है। और ये हमने ना ये देखें यहाँ का जूस लिया है, मैंगो जूस लिया है, और बहुत मज़े का लगा है इस टाइम पे, और ठंडा ठंडा था ना तो पिया है। बेइंतहा गर्मी है, सही पाकिस्तान वाली गर्मी पड़ रही है। यहाँ पे भी ना ये देखें गैस पेट्रोल ना पाकिस्तान की तरह ही डालते हैं, लोग डालते हैं, बंदे खुद नहीं डालते। अमेरिका में ना खुद बंदा डालता है अपनी गाड़ी में पेट्रोल। यहाँ का लोग बहुत खूबसूरत जगह है ये, और मैं कह रही हूँ कि वर्थ इट है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं। और मैं अपने हस्बैंड के आगे थैंकफुल भी हो रही हूँ कि वो मुझे यहाँ पे लेके आए, वो मुझे मेक्सिको। ये वो हमारे ड्राइवर अंकल हैं जो कि हमें लेके जा रहे हैं हमारे होटल में। तो मैंने उनको बताया कि योर कंट्री इज सेम लाइक अ पाकिस्तान, दैट्स व्हाई वी आर लाइकिंग दिस कंट्री। और ये हमारा होटल आ गया है जिसमें हम स्टे कर रहे हैं। लेकिन सामने बीच है, बीच के पास है। और ये वो होटल है जो कि हमने मतलब के जहाँ पे हमने स्टे करना है, हमने 7-8 days के लिए लिया है। बाहर लोग टेक अ साइड यार, यू कैन कम विद मी। हाँ ये वाला हमारा होटल है, और वो देखें उस तरफ बीच है। और यहाँ पे इतनी गर्मी और इतना मज़े का मौसम है, मैं आपको बता नहीं सकती। आए मेरा प्यारा बच्चा, एंड दिस इज़ आवर रूम, एंड दिस इज़ मी। हमारी तो बहुत बुरी हालत हुई है बिकॉज ऑफ ट्रैवल। और गाइज ये वो होटल है जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, ये है वॉशरूम, ठीक है। और ये है एक जो हमारा रूम है, जैसे कि ये हमारी कॉफ़ी का। और यहाँ पे ना हमें खाना वगैरह भी मिलेगा, बफे, लंच, डिनर, जो भी हम खाना चाहेंगे। ये मेरा और जयान का बेड है, जोया प्लीज टेक अ साइड। और ये है जोया का और उसके बाबा का बेड है। हम जब भी अब जाते हैं 2 beds लेते हैं, क्योंकि अब बच्चों के साथ तो यही हो सकता है। और वो देखें बाहर क्या हो रहा है, और एक मिनट, ये एक मिरर लगा हुआ है, और वो देखें बाहर क्या हो रहा है बाहर। ये देखें ये होटल कितना बड़ा है माशाल्लाह से। और ये ना 5-star होटल है जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मतलब के समझ लें कि ये मुझे वो गिफ्ट मिला है जो जयान के पैदा होने का गिफ्ट मिला है, जो कि उन्होंने मुझे यूरोप लेके जाना था, यूरोप नहीं लेके गए, मेक्सिको ले आए हैं।
तो फिर भी नॉट बैड, डिफरेंट कंट्री में ही जाना था ना, मेक्सिको ले आए हैं। तो ये देखें वो सामने वो है क्या, वो बीच है, वहाँ पे हम जाएंगे और वीडियोस भी बनाएंगे। बीच पे तो हमने स्पेशली नहाना है और बड़ा मज़ा आता है। मेरे हस्बैंड को बहुत स्विमिंग आती है ना, तो ये बहुत शौक से नहाते हैं और मैं भी, मुझे स्विमिंग नहीं वैसे आती। और ये है ये, और वो देखें लोग क्या कुछ कर रहे हैं, बस यही है सब कुछ। दैट्स इट। बच्चों के साथ कहीं सैर करने आना एक तो मुश्किल है, दूसरा बाद में वो सुकून से आपको, जैसे कल हम सारी रात में सोए, अभी था कि चलो सयान सो जाए, उसके बाबा सो रहे हैं, जया सो रही, मैंने कहा मैं भी सो लेती हूँ, लेकिन माँ की ज़िंदगी में सोना नहीं होता। देखिए मेरी आंखें देखे, मैं कल रात में फिर सयान सोने की देर, इतना रो रहा है कि नहीं सोना, तो फिर मैं इसको लेके बाहर आ गई। ये देखें अब ये बैठ के ना, तो ये देख रहा है,